हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। दुआ करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ ये दिवाली मेकअप लुक। इस मेकअप लुक को आप दिवाली के लिए भी कर सकते हैं या वेडिंग फंक्शन के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही ईजी और बहुत ही सिंपल सा लुक है। और कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं अगर आप, या अनमेरिड गर्ल्स हैं, तो भी इस लुक को ईजिली कर सकती हैं। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी मेरी वीडियो। और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरा आज का ये मेकअप लुक कैसा लगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो स्वागत आपका मेरे चैनल पर। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको इससे मेरी हर न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और गाइज, ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं मैंने ये मेकअप लुक कैसे किया है। तो यहाँ पर मैं अपने फेस को वॉश कर चुकी हूँ अच्छे से, मेरा फेस एकदम क्लीन है। अब मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज़ कर रही हूँ यहाँ पर निविया लाइट मॉइस्चराइज़र की हेल्प से। फेस को मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इससे आपकी स्किन हाइड्रेट रहती है और आपका जो मेकअप है वो भी बहुत अच्छा दिखता है, पैची नहीं लगता है आपका मेकअप और बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं लैक्मे सीसी क्रीम की हेल्प से ये मेकअप लुक करने जा रही हूँ। अच्छे से मैं इसे पूरे फेस पर अप्लाई कर लूँगी और एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे ब्लेंड कर लूँगी। और अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर को निचोड़ लीजिए, अच्छे से स्क्वीज़ कर लीजिए। पानी नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी आपके ब्लेंडर में, क्योंकि इससे आपका जो मेकअप है फिर अच्छा नहीं लगेगा और अच्छे से ये ब्लेंड भी नहीं कर पाएगा। तो आप देख सकते हैं इस वक्त मेरा जो लैक्मे सीसी क्रीम है कितनी अच्छे से ब्लेंड हो चुकी है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ हुडिया ब्यूटी का प्रो कंसीलर। और गाइस, जो भी आपको मेरी आईज़ पर हल्की फुल्की पिगमेंटेशन नज़र आ रही है, इसे ये मैं हाइड कर दूंगी इस कंसीलर की हेल्प से। बहुत ही अच्छा कंसीलर है और इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी आपको। अब मैं एक स्मॉल फ्लैट ब्रश की हेल्प से इसे ब्लेंड कर लूंगी अच्छे से, ताकि मेरे जो आई शेडो का कलर है वो भी बहुत ही अच्छा दिखे और मेरी पिगमेंटेशन है वो भी हाइड हो जाए। तो आप देख सकते हैं इससे मेरी आईज़ भी काफ़ी ब्राइटन अप लग रही है, ओपन अप लग रही हैं और सारी पिगमेंटेशन को इसने हाइड कर दिया अच्छे से। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मेबेलिन सुपर फ्रेश कॉम्पैक्ट पाउडर। इसकी हेल्प से मैं अपनी लैक्मे सीसी क्रीम को अच्छे से सेट कर लूँगी, ताकि मेरा जो फेस है वो चिपचिपा सा ना दिखे, क्योंकि थोड़ी सी स्टिकी होती है ये लैक्मे क्रीम। अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ म्यूजिक फ्लेवर जेल आईलाइनर की हेल्प से। ब्राउन कलर की आईलाइनर है ये और इसकी हेल्प से मैं अपनी आईब्रोज़ को फिल कर लूँगी। नेक्स्ट मैं ये स्पूली की हेल्प से अपनी आईब्रोज़ को अच्छे से सेट कर लूँगी अब, ताकि कोई भी हार्श लाइन ना दिखे मेरे आईब्रोज़ में और मेरे जो आईब्रोज़ के बाल हैं वो अच्छे से सेट हो जाए। अब मैं इस कंसीलर की हेल्प से अपने आईब्रोज़ को और डिफ़ाइन कर लूँगी अच्छे से, क्योंकि अक्सर होता है ना कि जब हम अपना मेकअप स्टार्ट कर लेते हैं तो आईब्रोज़ को भूल जाते हैं, जिससे हमारा बार बार ध्यान उसकी तरफ जाता है। इसीलिए मैं सबसे पहले अपनी आईब्रोज़ को सेट कर लेती हूँ, ताकि मेरा जो ध्यान है वो पूरा मेरे मेकअप पर ही रहे, मेरा फोकस जो है। तो ये देखिए, मैंने अच्छे से अपनी आईब्रोज़ को भी डिफ़ाइन कर लिया है। नेक्स्ट मैं यहाँ लगा रही हूँ हिलेरी रहूडा के आई शेडो पैलेट से ये ट्रांजिशन कलर लूँगी और अपनी क्रीज लाइन पर प्लेस करूँगी इसे। और गाइस, बहुत ही अच्छा पैलेट है, इसका रिव्यू बहुत जल्द आप मेरे चैनल पे देख पाएंगे। और ये लाइट सा कोरल शेड है, वाओ, देखिए कितना अच्छा लग रहा है गाइस, कितना पिगमेंटेड शेड है आप देख सकते हैं। इसे क्रीज लाइन पर इस तरीके से लगाते हुए ब्लेंड कर लूँगी। और नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ कंसीलर। इस कंसीलर को मैं एक स्मॉल फ्लैट ब्रश की हेल्प से अपनी आईलिड पर लगा लूँगी। और एक तरह से आप देख सकते हैं कट क्रीज मेकअप होता है ना आईज़ का, वो उस तरह का लुक नज़र आएगा अगर आप इस तरीके से मेकअप करते हैं। तो सिंपल से तीन या चार इजी स्टेप हैं जिससे आप ये मेकअप लुक ईजिली कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ ये शिमर ऑरेंज कलर है। और ये देखिए, पहले मैंने ब्रश की हेल्प से कोशिश की लगाने की तो, लेकिन उतने अच्छे से नहीं नज़र आया। तो अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ फिंगर की हेल्प से, जो कि आपको बहुत अच्छे से नज़र आएगा, ये देखिए, और मेरी ड्रेस के साथ भी बहुत अच्छे से मैच होगा ये ऑरेंज कलर। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ जैकलिन हिल पैलेट से ये डार्क ब्राउन कलर का शेड लूँगी और अपने आउटर वी पर इसे प्लेस करती हूँ और ब्लेंड कर लूँगी। बस आपने इसे वहीं आउटर वी पर ही प्लेस करना है, आगे की तरफ नहीं लेकर आना है, ताकि मेरी जो आईज़ है और ज़्यादा खूबसूरत दिखे और मेरा आई शेडो भी और ज़्यादा हाईलाइट होगी। तो इस तरीके से मैं एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से इसे थोड़ा सा ब्लेंड कर लूँगी अब मैं, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए और अलग सा ना दिखे कि कुछ अलग से लगाया हुआ है। अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पर मैक का आईलाइनर। इसका एप्लीकेटर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है गाइस, इसके विंग्ड, इसकी हेल्प से बहुत ही अच्छा बना सकते हैं आप। विंग्ड आईलाइनर बहुत अच्छा बनता है इससे। आप चाहें तो स्मॉल विंग बना सकते हैं या फिर आप नॉर्मल जो लाइनर लगाते हैं, जैसा भी आपको पसंद हो उस हिसाब से आप लगा सकते हैं। एसेसरीज भी आप अपने हिसाब से वियर कर सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो और हैवी ज्वेलरी अगर आप पहनना चाहती हैं तो वो भी पहन सकती हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मैक का मस्कारा। आप चाहें तो फॉल्स लैशेज भी वियर कर सकती हैं, यहाँ पर लगा सकती हैं, बट काफ़ी गर्ल्स को फॉल्स आईलैशेस जो होती है ना वो लगानी नहीं आती हैं या प्रैक्टिस नहीं होती है, तो आप मस्कारा के ही दो से तीन कोट लगा सकती हैं। टोटली आप पर डिपेंड करता है, आपकी इच्छा हो तो आप लगा सकती हैं नकली पलके और या फिर आप स्किप भी कर सकती हैं।
तो मैंने यहाँ पर मस्कारा के 2 से 3 कोट अप्लाई कर लिए हैं। अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मैक का काजल। नेक्स्ट मैं यही ऑरेंज कलर का शेड लूँगी और अपनी लोअर लैश लाइन पर लगा लूँगी अच्छे से। वही सेम शेड मैं नीचे की तरफ भी अप्लाई करूँगी जो मैंने अपर लाइन्स पर लगाए थे, और वही सेम स्टेप मैं फॉलो करूँगी। अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ हाईलाइटर, और दिवाली पर हाईलाइटर नहीं लगाया तो क्या लगाया गाइस, क्योंकि हाईलाइटर से आपका जो मेकअप है बहुत सुंदर दिखता है, आपका फेस भी बहुत अच्छा लगता है, और दिवाली में चमकना है तो भाई हाईलाइटर तो लगाना पड़ेगा, यानी कि आप और ज़्यादा चमकेंगे अगर आप हाईलाइटर लगाते हैं तो। नेक्स्ट में ये कॉफ़ी कलर की लिपस्टिक आप देख रहे हैं, डार्क ब्राउन सा कलर है ये, और इसकी हेल्प से मैं कंटूरिंग कर लूँगी। अगर आपके पास भी इस तरह से लिपस्टिक है, और अगर आपके पास अगर कोई कंटूर स्टिक वगैरह नहीं है, पैलेट नहीं है, तो आप इस तरीके से भी चॉकलेट कलर का शेड ले लीजिए, अपनी लिपस्टिक से भी आप अपने फेस को कंटूर कर सकते हैं। और काफ़ी अच्छी लिपस्टिक है, विंटर्स के लिए भी काफ़ी अच्छी है क्योंकि काफ़ी क्रीमी लिपस्टिक है, ईजिली ब्लेंड हो जाती है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ ब्लश। अब मैं लगा लूँगी हाइलाइटर। और इस मेकअप लुक को गाइस आप दिन में भी कर सकते हैं ट्राई, अगर आपने शॉपिंग वगैरह के लिए जाना है या घर में गेस्ट आने वाले हैं तब भी आप इस मेकअप लुक को कर सकती हैं। अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पर लिप लाइनर। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ किस ब्यूटी की लिपस्टिक, ये लिक्विड लिपस्टिक है। और गाइस जब भी आप लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई करते हैं तो अपने लिप्स को अच्छे से मॉइस्चराइज करना ना भूलें। अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मेकअप फिक्सर, ताकि मेरा जो मेकअप अच्छे से सेट हो जाए, अच्छे से फिक्स हो जाए मेरे फेस पर और जल्दी से ना उतरे। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये है मेरा फाइनल लुक। और ऐसी सीरीज आप अपने हिसाब से भी वेयर कर सकते हैं, बिंदी आप अपने अकॉर्डिंगली लगा सकते हैं अगर आपको जौन सी पसंद हो, या फिर आप स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको दोनों ही लुक दिखा चुकी हूँ, बिंदी वाला भी और बगैर बिंदी के भी। अगर आप मैरिड हैं तो सिंदूर वगैरह भी लगा लीजिए। तो गाइस ये है मेरा फाइनल लुक, आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा, और पसंद आए तो प्लीज़ गाइस मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, मेरा मेकअप लुक कैसा लगा और मेरी ज्वेलरी कैसी लगी। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ फ्रेंड्स, कि अगर आप खुले बाल रखकर इस तरह आगे की तरफ लेना चाहती हैं, सर पर पल्लू लेना चाहती हैं, तो इस तरीके से भी आप ट्राई कर सकती हैं, या फिर जूड़ा वगैरह बनाना चाहती हैं तो जैसा भी जूड़ा आपको पसंद हो आप उसके अकॉर्डिंगली बना सकती हैं। तो ये देखिए, और गाइज आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।